सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के बराबर सीजन यानी कि आईपीएल 2019 के बारे में, जो कि इस वीडियो में आपको बताएंगे मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से आईपीएल 2019 के सारे ही मैचों में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आईपीएल 2019 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम ने अपना पूरा फाइनल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जिसमें 25 खिलाड़ी शामिल हैं। और इस बार मुंबई इंडियंस की टीम में जबरदस्त बल्लेबाज, जबरदस्त बॉलर और ऑलराउंडर टीम में शामिल हैं और काफी मजबूत दिखाई दे रही है मुंबई इंडियंस की टीम। अगर हम बात करें इसके प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से आईपीएल 2019 के लगभग सारे ही मैचों में, यानी कि इसके प्राइमरी प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें इनके ओपनर्स के बारे में यानी कि सलामी जोड़ी के बारे में, तो नंबर एक पर नाम आता है रोहित शर्मा का, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज है। वहीं नंबर दो पर नाम आता है क्विंटन डिकॉक का, जो कि एक विकेट कीपर बैट्समैन है और ये भी बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग की बल्लेबाजी करते हैं। अब अगर हम बात करें नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर नाम आता है इवन लुइस का, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त धाकड़ बल्लेबाज है। हालांकि इवन लुइस एक ओपनर बल्लेबाज हैं, तो जिस मैच में रोहित शर्मा ओपनिंग नहीं करेंगे उस मैच में इवन लुइस और क्विंटन डिकॉक ही ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा सिचुएशन के हिसाब से कभी नंबर तीन, कभी ओपनिंग, कभी नंबर चार की बल्लेबाजी करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर चार की, तो नंबर चार पर होंगे सूर्य कुमार यादव, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं। वहीं इसके बाद नंबर पांच पर होंगे युवराज सिंह। अब अगर हम बात करें नंबर छह की, तो नंबर छह पर नाम आता है करुणाल पांड्या का, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। स्पिन बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बहुत ही शानदार करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर सात की, तो नंबर सात पर नाम आता है हार्दिक पांड्या का, जो कि ये फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं, जो कि ये फास्ट बॉलिंग के साथ साथ बल्लेबाजी भी काफी जबरदस्त करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर आठ की, तो नंबर आठ पर होंगे मयंक मारकांडे, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त स्पिनर हैं। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें नंबर नौ की, तो नंबर नौ पर नाम आता है लसित मलिंगा का, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं। हालांकि इनके बैकअप के तौर पर बेन कटिंग और आदम मिलने टीम में मौजूद हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर नाम आता है जसन बैरन ड्रॉफ का, जो कि ये भी एक बहुत ही जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं। हालांकि इनके बैकअप के तौर पर टीम में मिचेल मैकलिंगन मौजूद हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर होंगे जबरदस्त फास्ट बॉलर यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, ये रही मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, जो कि ये प्राइमरी प्लेइंग 11 है। लगभग सारे ही मैचों में यही खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर इनमें से कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड होता है या फिर फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे में दूसरे खिलाड़ी को टीम में मौका मिलेगा, जो कि बैकअप के तौर पर मुंबई इंडियंस की टीम में ईशान किशन, कारन पोलार्ड, बरिंदर सरन, राहुल चेहर और भी कई बड़े बड़े जबरदस्त खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं, जो कि इस बार मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ही ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपके हिसाब से वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलने चाहिए मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, क्या होनी चाहिए इनकी प्लेइंग 11? कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने राय जरूर दें। और दोस्तों, आपके हिसाब से रोहित शर्मा को किस नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहिए, क्या वन डाउन की बैटिंग या फिर ओपनिंग या फिर नंबर चार की बल्लेबाजी करना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने राय जरूर दें।